शादी का झांसा देकर फंसे महिला को ठगा। लेडीज वर्सेस रिक्की बेल फिल्म की तर्ज पर महिला को फंसाने के लिए फेसबुक व मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को रईस व खुशदार परिवार से बताकर महिला को शादी का झांसा दे मेलजोल बढ़ाया। फिर होटल में शारीरिक संबंध बनाने के दौरान मोबाइल से MMS बनाकर सोशल साइट पर अपलोड करने की धमकी और ब्लैकमेल करके लाखों रुपए ठगा करता था। विवेक बिहार पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शादी का झांसा देकर 10 से 15 महिला को शिकार बना चुका था। फिलहाल 5 महिलाएं पुलिस के सामने आ चुकी हैं, जिनसे आरोपी ने शादी का झांसा देकर 50 लाख रुपए की ठगी के वारदात को अंजाम दिया है। सादरा जिला पुलिस के उपायुक्त मुकुल प्रसाद के अनुसार आरोपी ने फेसबुक और मैट्रिमोनियल साइट पर अलग अलग कई नामों से प्रोफाइल बना रखे हैं। महिलाओं को फंसाने के लिए वह कभी अपने आप को अधिकारी का पुत्र बताता था तो कभी महीने में 12 लाख की नौकरी बताता था। उसमें से एक महिला तलाकशुदा थी। उसके भाई ने तलाकशुदा और उसके 12 वर्षीय बेटे के कई दिनों से गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला के भाई ने बताया कि वह अपनी बहन को लगातार फोन कर रहा था, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। युवक ने ही बताया कि उसकी बहन को समीर उर्फ योगेश घर के एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए संपर्क हुआ है। तलाकशुदा महिला के भाई ने समीर योगेश पर गुमशुदा का संदेह बताया है। ये थी SN News रिपोर्ट।